कुछ एक सवाल बिग बॉस में बिग बाबा आए हुए बाबा बाबा ने कहा है कि सलमान खान की लाइफ बदल देंगे अगले साल। ये मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखी है, बाबा बेबी किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत यहाँ पे बाबाज आए हैं और बहुत सारी चीजें और लूट के गए हैं। ये सब सिर्फ पैसे लूटने की चीजें हैं। आई डोंट नो, देखो बहुत सारे लोग जेन्युइनली गिफ्टेड होते हैं एंड आई हैव सीन दैट ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत चीज़ें क्योर करी है, बट अनफॉर्चुनेटली अब इतने सारे नकली लोग आ गए हैं कि कभी कभी हम इतना जनरलाइज कर लेते हैं लोगों को कि हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं। पर अब वो बिग बॉस है, अब वो तो सारी पोल खोलेंगे, अब जब जैसे सीजन आगे जाएगा तब हम देखेंगे कि बाबा और क्या क्या करते हैं बाबा के चमत्कार। सलमान खान सर से कुछ आपको आई कॉम्प्लीमेंट्स कुछ? मुझे पूरी इंडस्ट्री से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आई है एंड डेफिनेटली नो ही इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड मी और सेड एनीथिंग येट अबाउट द फिल्म, बट एज आई मेंशन्ड बिफोर सोहेल हैज़ मैसेज मी दैट ही लव्ड द ट्रेलर एंड फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक इवेंचुअली व्हाट यू सी इज दैट पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, दैट्स मोर देन एनफ। क्या आप सलमान खान को ये फिल्म दिखाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं सबको ये फिल्म तो थिएटर में रिलीज होने वाली सब स्पेशल स्क्रीनिंग का सलमान सर को बुला के। टी सीरीज स्क्रीनिंग में बिलीव ही नहीं करता है, वो लोग कोई मूवी की स्क्रीनिंग नहीं रखते, किसे नहीं बुलाते, कहते जिन्हें भी मूवी के बारे में जानना और अपने रिव्यूज देना प्लीज थिएटर में जाके दो, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑफ भूषण। सो आई थिंक भूषण जी ने बहुत सुपर्ब चीज़ रखी है ये ऑफ नो स्क्रीनिंग ओनली अंटिल अनलेस यू नॉट मेकिंग अ बायोपिक और अ वेरी ह्यूज फिल्म। सो आई थिंक जब लोग देखेंगे तो देखेंगे।